हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। इन माय लास्ट वीडियो, इन माय फर्स्ट वीडियो, मैंने आप लोगों को बताया था कि मेन ग्रुप एलिमेंट्स में आप लोग कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो फर्स्ट आई रिक्वेस्ट कि पहले आप वो वीडियो देखें, फिर उस वीडियो को प्रोसीड करें। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक सिंगल फॉर्मूला से कैसे आप 5 आंसर्स निकाल सकते हैं, दैट इज लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड स्ट्रक्चर। उसके बाद जब मैंने वो पूरा कंप्लीट कर लिया था तो मैंने आपको बताया था कि मैं इस नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्री रेडिकल और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं वो बताऊंगी। तो दिस इज क्लास नंबर 3 एंड दिस इज ट्रिक नंबर 3। तो अब इसको प्रोसीड करते हैं हम लोग फर्दर, ठीक है। तो अभी सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ कि फ्री रेडिकल में आप लोग कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो ये फ्री रेडिकल्स आपके सामने हैं, इनको आज हम लोग इस क्लास में इनके हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखते हैं कि कैसे। सो द ट्रिक इज, सबसे पहले वेयर आर द पॉइंट्स, ठीक है। आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, मैं इसको अभी ब्रीफ करूंगी यूट्यूब करके। नंबर 1 इज राइट डाउन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल एटम। मैंने फर्स्ट क्लास जो थी उसमें भी मैंने ब्रीफ किया था, पर इसमें भी मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। वैसे इट्स अ वेरी इजीएस्ट थिंग्स, बट एक बार फिर मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। इनके एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं। सबसे पहले जैसे कार्बन ले लेते हैं, फिर कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। देखो आप इसको दोनों तरीके से निकाल सकते हो। अगर आपने बिल्कुल जूनियर टाइप में जाएंगे तो हम उससे पहले के शेल एल शेल करते थे, ठीक है। तो के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आप इसी को देख के हम लोग दो तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लिख सकते हैं। एक तो 1s2, 2s2, 2p, 2, 2, 4, 6, जितने एटॉमिक नंबर होता है हमें उतने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, या तो आप ऐसे कर लो, या फिर हम जैसे हम पढ़ते थे यूपीएस पर के शेल आता था, के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आप डाल देते, एल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, 2 आपने इसमें डाले तो 6 - 2 = 4। तो मैक्सिमम आउटर मोस्ट, अब इसके लिए आउटर मोस्ट हो गई एल। और अगर आप ये कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो इसके थ्रू आपकी जो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल हो गई आपकी, ये हो गई, जिसमें 2s2 एंड 2p2 और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2 और 2 = 4। तो ये जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, बाहर वाले ऑर्बिटल में, बाहर वाली शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम बोल देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इसके क्या हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब इस इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए इसे कितने चाहिए, क्योंकि हमें पता है ऑक्टेट होल 8 होते हैं, वो स्टेबल स्पीसीज होती है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए इट नीड्स 4। तो कार्बन फॉर्म 4 बॉन्ड्स, ठीक है, क्योंकि इसे 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये ऑब्वियस है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा तो इट विल फॉर्म 4 बॉन्ड्स। तो कार्बन पे हम लोग लिख देते हैं कार्बन विल गोइंग टू फॉर्म 4 बॉन्ड्स मैक्सिमम, ओके। इसी तरह नाइट्रोजन पे आएंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो के में 2, एल में 7 - 2 = 5, ठीक है। तो 5 इसके क्या हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 5 इसके क्या हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और 3 क्या हो गई इसकी, वैलेंसी। 3 इसकी क्या हो गई, वैलेंसी। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटर मोस्ट में ले लेगा तो ये स्टेबल स्पीसीज हो जाएगा, तो ये हो गई इसकी वैलेंसी, मींस इट वांट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स और इट विल बी फॉर्म 3 बॉन्ड्स, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग देख देते हैं कि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड्स बनाएगा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाएगा मैक्सिमम, क्योंकि इसको अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपनी स्पीसीज को स्टेबल मिला, ओके। और इसी तरह से ऑक्सीजन करेंगे, तो ऑक्सीजन में जब आप करोगे 8, तो ए में कितने गए, 2, एल में 6, तो 6 हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और 2 इसकी क्या हो गई, वैलेंसी। तो ऑक्सीजन मैक्सिमम फॉर्म 2 बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स, 2 बॉन्ड्स, ठीक है। तो ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड्स बनाएगा,
इसी तरह फ्लोरीन आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे, अदरवाइज यू विल टेल मी इन अ क्लास, इट विल फॉर्म वन. ठीक है, ये इतना जनरल है ना कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कितना भी आप फर्दर पढ़ लेंगे, ये चीज आपको पता होनी बहुत जरूरी है कि कार्बन फॉर्म मैक्सिमम 4 bonds, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 2, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लेवल फॉर्म 1. ठीक है, तो यहाँ पे ये तो मैंने सिंपल सा आपको ये फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट के लिए है बड़ा. ठीक है, अभी हम लोग इसको प्रोसीड करते हैं. पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ, इसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो राइट डाउन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल एटम, नाउ चेक वैलेंसी ऑफ द साइड एटम. वैलेंसी मींस कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स वो बना सकता है जो हमने वैलेंसी ली. थर्ड, नाउ सी व्हाट इज लेफ्ट लोन पेयर और रेडिकल. इसके बाद जब हम बॉन्ड्स बना देंगे तो हम देखेंगे सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर रह गया है, रेडिकल रह गया है, क्या दोनों रह गए. अगर नाउ चेक अगर साइड एटम्स में नाइट्रोजन क्लोरीन ऑक्सीजन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं या नहीं, अगर हैं तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज है. इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट, इफ लोन पेयर इज नॉट प्रेजेंट, या लोन पेयर इज एब्सेंट. इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट डू नॉट काउंट रेडिकल इन हाइब्रिडाइजेशन, एंड इफ लोन पेयर इज एब्सेंट काउंट द रेडिकल इन हाइब्रिडाइजेशन. फिर नाउ काउंट द साइन बॉन्ड्स. अभी आपको समझ नहीं आएगा, मैं अभी एक एग्जाम्पल लेती हूँ और उसको पूरे ब्रीफ से आप लोगों को समझाती हूँ. जैसे सबसे पहला मैंने एग्जाम्पल लिया CF3 कार्बन के ऊपर है एक ये रेडिकल. मुझे ये बताना है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या होगा. ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैंने क्या लिखा, राइट डाउन द वैलेंस लेटर ऑफ द सेंट्रल एटम, और सेंट्रल एटम मेरे को उसी को लेना है जो मेरे पास सिंगल प्रेजेंट है. ठीक है, तो कार्बन कार्बन के अभी हमने देखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 1, 2, 3 and 4. ठीक है, नाउ सेकेंड, नाउ चेक द वैलेंसी ऑफ द साइड एटम एंड ड्रॉ द बॉन्ड्स. अब हमारे पास फ्लोरीन है, कितने फ्लोरीन है, 3, और हमें पता है एक फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1, तो 3 की कितनी होगी, 3. एक एक को ड्रॉ करते हैं, ये हमने ड्रॉ कर दिया फ्लोरीन. हमें पता है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब ये एक बॉन्ड बना लिया. ठीक है, तो मेरा सेकेंड पॉइंट भी सही हो गया. नाउ चेक द वैलेंस इन साइड एटम एंड ड्रॉ बॉन्ड्स, मैंने ये बॉन्ड्स बना दिए. नाउ थर्ड, नाउ सी व्हाट इज लेफ्ट, क्या बच गया है, लोन पेयर की रेडिकल, हमारा तो यहाँ पे क्या बचा है, रेडिकल. ठीक है, अब इसके बाद हमें देखना है क्या लोन पेयर नहीं, इसके बाद हमें देखना है कि जो साइड एटम्स थे क्या उसमें नाइट्रोजन क्लोरीन और ऑक्सीजन है. तो यस, हमारी इस वाले एग्जाम्पल में वी हैव फ्लोरीन. तो अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ है तो आपके दो पॉसिबिलिटी है, लोन पेयर इज प्रेजेंट और लोन पेयर इज एब्सेंट. इसमें तो लोन पेयर है ही, अपने पास रेडिकल ही है, तो हमारा कौन सा रूल फॉलो होगा, ये अगर लोन पेयर एब्सेंट है तो इस रेडिकल को भी हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे. ठीक है, नाउ फिफ्थ वन, नाउ काउंट द सिंगल बॉन्ड्स. आपको बहुत ही आसान है, बस इतना सा प्रोसीजर करना है और आपके हाइब्रिडाइजेशन आ गई है. आप देखो ये भी सिंगल बॉन्ड है, 1, 2, 3, और लोन पेयर अगर एब्सेंट है तो आपको इस रेडिकल को भी इस हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड करना है, मतलब दिस इज ऑल्सो 4. तो ए को मैंने लिख दिया एस, ए को लिख दिया पी, इसको भी लिख दिया पी, इसको भी लिख दिया पी, तो कितना हो गया एस पी 3. Yes, the hybridization आपका आंसर आ गया है sp3. cf3 रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और sp3 का हमें पता है कौन सा स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल होता है, तो हम इसको इस तरीके से और यहाँ पे एक रेडिकल शो कर देंगे, ना प्रोटीन शो कर देंगे, एंड दिस इज योर आंसर. है ना इजी, बहुत इजी है. अभी हम लोग नेक्स्ट को ट्राई करेंगे और आप बिल्कुल एकदम आप यूज टू हो जाओगे इस फॉर्मूले के. नाउ नेक्स्ट वन, जैसे है नेक्स्ट हमारा है NO2, NO2 डॉट. ठीक है, सबसे पहला राइट डाउन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम. अभी हमने देखा नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 5, 1, 2,
1, 2, 3, 4, 5 मैंने ड्रॉ कर दिया। अब हमें क्या करना है, वैलेंसी ऑफ द साइड एटम। अभी हमने देखा था कि ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन जो एक ऑक्सीजन का एटम है इट विल फॉर्म टू बॉन्ड्स, तो दो है तो कितने हो जाएंगे, 4 बॉन्ड्स हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, इसी तरह यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद था नाउ फॉर्म द बॉन्ड्स, मैंने बॉन्ड्स बना दिए, ठीक है। अभी मैं और भी एक ट्विस्ट है इसके अंदर, ठीक है, बॉन्ड्स बना दिया, अभी हम इसी बात पे चलेंगे, इसके बाद फर्दर बात करते हैं। इसके बाद नाउ चेक द एटम इज हैविंग लोन पेयर, मतलब लोन पेयर है या नहीं है, बाई चांस इसमें भी एब्सेंट है तो इसको भी मैं हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड करूँ। अब एक और बात मुझे बताएं, अभी मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड्स बनाता है ना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड्स बनाता है, बट मैंने यहाँ तो 4 बॉन्ड्स बना दी क्योंकि ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड्स बनाता है, तो या तो ये हो जाता है कि इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। एक और बात ये ट्रिकी है, आप ये चीज हमेशा याद रखिए कि जैसे फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड्स बनाता है, अगर इसने 4 बॉन्ड्स बना लिए जैसे यहाँ पे, तो उसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज उसको बैलेंस आउट करने के लिए। अगर उसने कम बॉन्ड्स बनाए, फॉर एग्जाम्पल 3 बनाता है पर 2 बनाए, तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। इसको आप हमेशा मतलब इतने दिमाग रखेंगे, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना प्लस चार्ज है ना माइनस चार्ज है, एक रेडिकल है, तो अब क्या करें। तो ये यहाँ पे क्या होता है, ये जो इसके जो दो लोन पेयर्स है ना, वो इन दो लोन पेयर्स को डोनेट कर देगा ऑक्सीजन, और ये क्या बना देता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या बना देता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसे बनते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। एक ऑक्सीजन को उसने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया और 2 के साथ इसने अपने बॉन्ड बना लिए और एक मेरे पास रह गया रेडिकल। अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि अब हम लोग इसे काउंट करें नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स कि इसके अराउंड, क्योंकि ये भी मेरा हो गया, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट रह गया नाउ काउंट द सिंगल बॉन्ड। एक और अभी इसमें बीच में आ जाती चीज, सिंगल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, जो हम लोग 9 से पढ़ रहे हैं तो हमारे पे ये 3 चीजें चलती हैं, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड में तो सिंगल बॉन्ड है ही, जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिंगल बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें एक सिंगल बॉन्ड होता है और दो हमारे पाई बॉन्ड्स होते हैं, जो बीच वाला होता है वो मेरा सिंगल बॉन्ड होता है और उसके ऊपर ये इस तरीके का ये पाई बॉन्ड्स होते हैं, मतलब कि एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिंगल बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड और ये होते हैं पाई बॉन्ड्स, ठीक है। चलो जो ये वाली बातें इसी को अप्लाई करते हैं, अब यहाँ पे तो ये डबल बॉन्ड है तो मतलब ये हमारा हो गया सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ये मेरा हो गया सिंगल बॉन्ड और ये हो गया सिंगल बॉन्ड। एक को लिख दिया एस, इसको भी लिख दिया पी, इसको लिख दिया पी, तो हमारा क्या हाइब्रिडाइजेशन आ गई, sp2। sp2 मींस ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। अब हम इसको ड्रॉ कर देते हैं, कैसे करेंगे, n यहाँ पे डबल बॉन्ड, o यहाँ पे मैंने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया और ये मैंने p ऑर्बिटल में इसका रेडिकल शो कर दिया, NO2 sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, बहुत साल पहले की बात है, मुझे इतना कंफ्यूजन होता था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे आ जाता है, किसी में हम लोग नेगेटिव चार्ज दिखा रहे हैं, और लेट मी लाइक टेल यू कि अभी ये मेरा लिए बिल्कुल सॉर्ट आउट हो गया है। मैं बहुत ऐसे एग्जांपल्स आपको बनाऊंगी जिसमें आप लोगों को भी इजी लगेगा इन चीजों से, सिंपल है NO2 रेडिकल, ठीक है। अब हम मिक्स से प्रोसीड करते हैं, बहुत समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये। Now the next is ClO2 dot, chlorine O2 dot, okay। अब हमने अभी ये देखा था क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 7, तो मैं 7 इसके ड्रॉ कर देती हूँ, क्लोरीन 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 to 4 to 6, 7, ठीक है। ऑक्सीजन के वैलेंसी कितनी होती है, एक ऑक्सीजन की 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ऑक्सीजन ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे मैंने एक ऑक्सीजन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब देखो इसके बाद मैंने को इसको बॉन्ड्स बना दिए, ठीक है, इसके डबल बॉन्ड्स बना दिए,
अब मेरे पास इस पीसेस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पहले तो मेरे को ये देखना है क्या साइड एटम्स में मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है। यस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है। यहाँ मैंने जितने एग्जाम्पल लिए उनमें है। आपको मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखाऊंगी, इतना कंफ्यूजन कर देते हैं दो तीन क्वेश्चन साथ में देख के, फिर आपको लगता है कि ये वाला लगना था नहीं लगना था, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा ये था कि अगर साइड एटम है इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज लगी हुई है और आपका क्या कहते हैं लोन पेयर प्रेजेंट है, तो मैं रेडिकल को काउंट नहीं करूंगा इन माय हाइब्रिडाइजेशन, इसको तो मुझे काउंट नहीं करना। सिंगल बॉन्ड्स काउंट करने, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 1, 2 और 3, ये हमारी हो जाएगी sp2। लोन पेयर इज प्रेजेंट, डू नॉट काउंट द रेडिकल इन हाइब्रिडाइजेशन, हमारे को इसमें हमारी क्या कहते हैं काउंट नहीं करना है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, sp2। sp2 का मतलब क्या हो गया, ये हमारी क्या हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेन। ठीक है, तो ये कैसे ड्रॉ होगा, क्लोरीन सेंटर में, यहाँ पे मैंने अपना एक लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड को, यहाँ पे डबल बॉन्ड को, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर और एक मेरा यहाँ पे रेडिकल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इस तरीके से CnO2 डॉट का हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp2 और इसी की जो ज्योमेट्री है वो आ गई ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं CnO3 डॉट, CnO3 डॉट, उसी तरीके से क्लोरीन के 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, पर आप क्या है 3 ऑक्सीजन है, तो तीनों ऑक्सीजन को हमें शो करना पड़ेगा, यहाँ पे, यहाँ पे एंड यहाँ पे। ओके, डबल बॉन्ड बना दीजिए। अब ये देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यस ऑक्सीजन हमारा प्रेजेंट है, पर लोन पेयर तो है नहीं, तो रेडिकल भी मेरा इसमें इंक्लूड होगा, तो अब मेरी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, इसको लिख दो एस, इसको लिख दो पी, इसको लिख दो पी, इसको लिख दो पी, तो sp3। sp3 का क्या होता है ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे मैंने अपना रेड शुरू कर दिया। इतना इजी है ना, और आपको पता है ये वाले जो क्वेश्चंस हो गए ना, जितने भी MSc के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं या IIT JEE है या फिर आपके PGT, DGT, TET, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, इवन नेट में भी पूछे जाते हैं, तो आपको वो अभी नेक्स्ट वाले बताऊंगी कि नेक्स्ट वाले में जब मैंने नेट का एग्जाम दिया था, येस I have qualified NET and I got 30th rank in NET in 2011. Yeah, 2012 में मेरा NET qualified हुआ था with 30th rank and also KEET. I also qualified NET, KEET, UP, PhD, so many MSc exams I have qualified. तो उस समय पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे जो मैं आपको और भी ब्रीफ करूंगी। नेक्स्ट आते NO डॉट, NO डॉट, बहुत आसान है, नाइट्रोजन के 5 आप कर दीजिए, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब एक ही ऑक्सीजन है मेरे पास, मैं एक ही ऑक्सीजन को ड्रॉ करूंगी, बॉन्ड्स बना लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है क्या, हाँ लोन पेयर प्रेजेंट है, तो अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो मैं रेडिकल को काउंट नहीं करूंगी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपल से नॉक आउट द सिंगल बॉन्ड्स, 1 और लोन पेयर 1, तो ये क्या हो गया sp, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई sp, और हमें पता है sp का ज्योमेट्री क्या होता है, लीनियर, क्या होता है लीनियर, नाउ ड्रॉ, लीनियर है n डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पे हमारा डॉट हो गया, ये इसका मैंने लोन पेयर शो कर दिया,
ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ओके चलिए, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है। पहले आप लोगों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं, उसके बाद वैलेंसी लिखनी है, उसके बाद जितने भी आपका क्या कहते हैं जो साइड आइटम्स हैं उनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग बॉन्ड्स ड्रॉ कर देने हैं। उसके बाद आपको अलग से डिफ्रेंशिएट करना है रेडिकल है कि लोन पेयर है। अगर आपका जो साइड आइटम है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो आपको दो पॉसिबिलिटीज हैं, लोन पेयर इज प्रेजेंट और लोन पेयर इज एब्सेंट। इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट तो आपको रेडिकल को काउंट नहीं करना है हाइब्रिडाइजेशन, अगर एब्सेंट है तो आप रेडिकल को भी काउंट करोगे। नाउ काउंट द सिंगल बॉन्ड्स, तो जो दे सिंगल बॉन्ड्स हैं आप उनको काउंट करोगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे और उसके रिस्पेक्टिव आप उसकी ज्योमेट्री देखोगे। ठीक है, तो ये था मेरा ट्रिप नंबर 3। वैसे इसी के साथ शायद मेरी ट्रिप नंबर 4 भी हो जाए फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि मैं सोच रही हूँ बहुत छोटा सा टॉपिक है उसको मैं इसी में कंप्लीट कर दूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन, आप जब नोट्स बनाएंगे ना तो इन तीनों को साथ में लिखिएगा। एक एक जगह पे आप ग्रुप एलिमेंट्स सबसे पहले उसको 3 में डिवाइड कर दीजिएगा, मेन ग्रुप एलिमेंट्स, फ्री रेडिकल, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो मैंने मेन ग्रुप का आपको सबसे फर्स्ट क्लास में बताया, उसके सारे एग्जाम्पल्स लिखिएगा। उसके बाद मैंने फ्री रेडिकल आज करवाया, इसके बाद मैं करवा रही हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कर दूंगा। इसके दो फॉर्मूलेस होते हैं, ठीक है, बहुत इजी होता है, या ये इंटरमीडिएट्स के लिए यूज होता है। जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इंटरमीडिएट्स होते हैं ना, हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, पता है कि कार्बन आयन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कार्बो कैटायन की क्या है, फ्री रेडिकल की क्या है। बट अब एकदम इस ये सिंगल फॉर्मूला से, इवन कार्बीन की क्या है, कार्बीन में भी दो टाइप की कार्बीन होती है, सिंगलेट ट्रिपलेट, तो सिंगलेट की क्या है, ट्रिपलेट की क्या है, तो ये जो फॉर्मूला है ना उससे आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। ठीक है, इंटरमीडिएट्स, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हम दो फॉर्मूला लिख रहे हैं। इसमें तो सिंपल है, जो अभी हमने किया, काउंट द सिंगल बॉन्ड्स, कार्बन के राउंड कितने सिंगल बॉन्ड्स हैं, नॉट डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिंगल एक पाई होगा ना, तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स को आप सिंगल को आप ये भी कर सकते हो सिग्मा बॉन्ड्स, काउंट द सिग्मा बॉन्ड्स। और ये वाला हमारा ये फॉर्मूला है हाफ ब्रैकेट में 4 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन माइनस सिंगल बॉन्ड, माइनस सिंगल बॉन्ड, हाँ डिवाइड बाय 2, जो ये 2 है वो इस पूरे को डिवाइड कर रहा है, तो जो भी इसको सॉर्ट आउट करके आएगा ना उसको आपको इसको 2 से डिवाइड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये वाला फॉर्मूला लेते हैं, काउंट द सिंगल बॉन्ड्स, इसको लिखे रहने देते हैं, बहुत इजी है। आप कोई भी मैं एग्जांपल एक ड्रॉ कर लेती हूँ, जैसे सी डबल बॉन्ड, अगर ये चौक विजिबल है कि नहीं, मैं दूसरा से ड्रॉ करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ड्रॉ किया सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी एच 3, यहाँ पर ड्रॉ कर दिया मैंने सी एच, कार्बन कितने बॉन्ड्स में आता है, ठीक है, यहाँ पे एच पे यहाँ पे दिखा लिया। अब आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, बहुत आता है, ये नॉर्मल आता है, 2 मार्क्स से ये क्वेश्चन पक्का आ जाता है कि आप हर कार्बन हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए, या फिर उसको मार्क कर देगा कि आप किस कार्बन आइटम की हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए। तो सबसे पहले इसी से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने क्या कहा था, सिंपल से मैंने बोला था काउंट द सिंगल बॉन्ड, और ये भी मैंने बताया है कि डबल होगा तो उसमें एक सिंगल बॉन्ड होगा, और ट्रिपल होगा तो भी उसमें क्या होगा, एक ही सिंगल बॉन्ड होगा। तो इसके अराउंड 2 डबल बॉन्ड्स हैं, 1, ठीक है, ये हो गया एस, ये हो गया पी, मतलब इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आ गई वो आ गई एस पी, ठीक है। अब इस कार्बन को लेते हैं, ठीक है, ये हो गया इस कार्बन की हमारी हो गई एस पी। अब किसी ने मुझसे पूछे इस कार्बन की बताओ, तो आप क्या करोगे, इसके अराउंड जितने भी सिंगल बॉन्ड्स हैं 1, 2, 3, इसकी क्या हो गई एस पी 2। इसी तरीके से जब हम इधर आएंगे 1s p p, इसकी क्या हो गई एस पी 2। अब इस वाले को करते हैं साइड वाले को, इसमें आप क्या करोगे खोल के लिख लो, इजी रहेगा आपके लिए, एच एच एन एच 1, 2, 3, 4, क्या हो गया एस पी 3। इसी तरीके
तरीके से आप इसे खोलेंगे और यू भी मिलेगा। कितना इजी है ना, मेरे को तो ये वाला आसान लगता है, वैसे को फॉलो करती हूँ। अदरवाइज एक और फॉर्मूला भी होता है, ये देखते ही जब आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी आप देखते ही बता देंगे। अगर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, जीरो पाई, तो उसको बोलते हैं sp3। अगर एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो sp2। अगर दो पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है तो sp। जैसे हम इसी पर अप्लाई करें, जैसे इस वाले कार्बन में दो पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp। अगर एक पाई, जैसे अब इस कार्बन को अगर हम लेंगे, इस कार्बन में एक पाई बॉन्ड है तो उसकी क्या हो गई, sp2। इस कार्बन को रोकोगे तो इसके अराउंड सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स है तो उसकी क्या हो गई, sp3। ठीक है, तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो और इसको भी कर सकते हो, बहुत आसानी। इसमें गलतियाँ होने के चांसेस बहुत कम है। जब आप थोड़े से और फास्ट करेंगे तब आपके लिए ये बहुत अच्छी ट्रिक है, 0.15 एंड ऊपर। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं इंटरमीडिएट्स पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इंटरमीडिएट पढ़ते हैं ना, सबसे पहले जब हम इंटरमीडिएट पढ़ना शुरू करते हैं, CH2 नेगेटिव कार्बन आयन, तो सबसे पहले ये लिखते हैं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। और आधे लोगों को तो रट्टा मार के रखा होता है कार्बन एन sp2, इसकी sp, फिर वहाँ पेपर में जाते ही भूल जाते हैं कि कहते कार्बीन सिंगलेट की sp3 थी, उसकी sp2 थी। ओह माय गॉड, तो एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, हाफ इंटू को माइनस सिंगल बॉन्ड। तो अप्लाई करते कार्बीन पे। ठीक है, तो अभी जो हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, मैं चौक ले लेती हूँ, कार्बीन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, CH2 और दो यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कार्बीन, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ठीक है, क्योंकि देखो इसने कितने बॉन्ड्स बनाया, दो ही बॉन्ड्स बनाए, लोन पेयर तो उसके अभी बेचारे के बाकी है ना, तो बॉन्ड्स की कोई मुझे दे दे और मैं बॉन्ड बना दूँ, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ठीक है, ये टू टाइप्स की होती है, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। ठीक है, अब सिंगलेट और ट्रिपलेट, सिंगलेट में क्या होता है कि अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही में प्रेजेंट होते हैं तो उसे बोलते हैं सिंगलेट। ठीक है, सिंगलेट इसको ड्रॉ करा, ठीक है, और ट्रिपलेट में ये अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इस पर अप्लाई करते हैं हमारा फॉर्मूला। मैंने क्या लिखा है, हाफ इंटू फोर, तो हाफ इंटू फोर को आप लिखी दो माइनस नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड। देखो लोन पेयर को हम सिंगल बॉन्ड में काउंट करते हैं, रेक्टल को हम काउंट नहीं करते। ये वाला होता है जब हमारे देखो ऑक्साइड में कोई भी ऐसी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज नहीं है तो हम कुछ भी ये सब नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे लोन पेयर को तो हम काउंट करेंगे, रेडिकल होगा तो काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लोन पेयर में जैसे काउंट करना है sp, वैसे तो मैंने ऐसे ही कर दिया sp3 sp2, आप वैसे भी कर सकते हो और इसे भी कर सकते हो। माइनस आप कितना कर दोगे इसको, 1, 2 एंड 3। अच्छा हाँ, इसके अंदर हम लोग जब ये फॉर्मूला लगाते हैं ना तो लोन पेयर को नहीं देखते, हम सिंपल से ये देख लेते हैं कि इसका जो है, यहाँ पे 2 करेंगे, इस वाले को हम इसी तरीके से काउंट करेंगे, इसके ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसका हमारा सिंपल यही लग जाएगा, जो मैंने अभी जो वोहा वाला फॉर्मूला था ना वो इस पर लगेगा, कार्बन आयन उन सब पे लगेगा, तो इसको हम इंक्लूड कर देंगे तो ये लग जाएगा sp2, क्योंकि ये उसी में आता है ना, ये एक रेडिकल के फॉर्म में आ गया ना, तो ये वाला भी इसमें ही एग्जाम्पल आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे रेडिकल को काउंट नहीं करना है, तो दो सिंगल बॉन्ड है एच के, sp का मतलब हो गया लीनियर और इसका मतलब हो गया ट्राइगोनल रिंग। इससे भी हम, क्योंकि रेडिकल के अंदर का ही एग्जाम्पल है ये, हम सिंपल सा क्या करेंगे, हमारे को पता है सिंगलेट है, उसमें लोन पेयर, उसमें एक अच्छा एक ही p ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो 1, 2, 1, 2 सिंगल बॉन्ड, 1, 1, 1 sp2, और ये हो जाएगा sp। sp की वजह से ट्रिपलेट लीनियर होती है और इसके वजह से ये एक ही में होता है, तो इसकी वजह से ट्राइगोनल लीनियर होती है, कभी भी कंफ्यूजन आपको नहीं होती। ओके,
अब आते हैं नेक्स्ट पर, कार्बोकटायन कार्बन आयन। सॉरी गाइस, मुझसे ना ये मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे ना प्लस है तो भी थोड़ा सा कहने के फॉर्मूले में गड़बड़ हो गई थी। आप कार्बीन्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे फोर प्लस सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो अभी हम जैसे अप्लाई करेंगे इसको CH2 नेगेटिव के ऊपर, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें सिंगल बॉन्ड को ही काम करना है, कोई भी चार्ज, कोई भी प्लस माइनस को नहीं लेना है। तो हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को प्लस सिंगल बॉन्ड कितने हो गए, कार्बन को अगर खोल के देखेंगे तो ये हाइड्रोजन और ये उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो टू सिक्स, सिक्स बाई टू इज थ्री। थ्री मीन्स स्टेरिक नंबर अगर थ्री होता है तो क्या होता है, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। इसी तरीके से अगर हम मिक्स करें CH2 पॉजिटिव के लिए CH2 पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर इसके लिए करेंगे सेम यही होगा, हाफ इंटू फोर प्लस टू, ठीक है, क्योंकि दो सिंगल बॉन्ड है तो सिक्स, सिक्स बाई टू इज थ्री, दैट इज sp2। इसका भी क्या आंसर आ जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। अभी एक बार फिर से इसके एक बार कार्बन पे भी इसे अप्लाई करके देखना क्या हो पा रहा है क्या इसमें। वैसे कार्बीन के लिए आप वही वाला फॉर्मूला कर लीजिए, ये तो मैंने सिर्फ और क्या कहते हैं ना, अगर आप ये वाला फॉर्मूला इनके भी अप्लाई करेंगे तो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मेन दो मेन फॉर्मूलाज हैं, ट्रिक है जो, एक तो ये वाली है रेडिकल्स के लिए और जो ये है सिंगल बॉन्ड काउंट करने के लिए। ये आप कार्बन आयन कार्बोकटायन पे लगा सकते हैं, कार्बीन वाला जो है हमारा इसी में क्या कहते हैं सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो दिस इज फॉर दिस क्लास गाइस। Guys, please like and subscribe. If you like and subscribe, that will motivate me to make more videos for you. तो मुझे तभी पता चलेगा that you are liking me to interact with you, to share my experience with you. Okay, चलिए फिर next class में मिलते हैं। Thank you. Bye bye.